आइए देखते हैं ऐसे जानवर जो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, माना कि हम इंसान इस पृथ्वी के सबसे होशियार प्राणी हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इस पृथ्वी पर मौजूद दूसरे प्राणियों के पास दिमाग ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पृथ्वी पर ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जिनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी चीजों को याद रखने की क्षमता हम इंसानों से भी कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे जानवरों के बारे में जानना चाहेंगे जो IQ के मामले में हम इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं। नंबर 11, रैट्स। दोस्तों, अगर आपके घर में चूहे हैं तो आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि चूहे कैसी बड़ी आसानी से आपकी किचन में रखे डब्बों को खोल देते हैं, खाना चुरा लेते हैं, और तो और अगर आप चूहों को पकड़ने के लिए माउस ट्रैप भी लगाते हैं तो ज्यादातर मौकों पर चूहे उसमें फंसते भी नहीं है। चूहों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरे जानवरों की तुलना में छोटा दिमाग होने के बावजूद भी चूहे मुश्किल कामों को आसानी से कर लेते हैं। ज्यादातर सिचुएशन में हम इंसानों की तरह ही रिएक्ट भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूहे उन चुनिंदा जानवरों में से एक है जिन्हें अगर अकेला रहना पड़े तो वे हम इंसानों की तरह डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे। यानी इससे एक चीज तो साफ है, चूहों में तेज दिमाग होने के साथ साथ फीलिंग्स भी होती है। नंबर 10, ऑक्टोपस। दोस्तों, अगर बात बुद्धिमानी की हो तो ऑक्टोपस इस मामले में दूसरे समुद्री जीवों से काफी आगे है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे सबूत हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने ऑक्टोपस को एक अच्छी खासी प्लानिंग करके कैद से भागते हुए पाया है। ये जानवर इतने ज्यादा होशियार होते हैं कि अगर इन्हें कांच के बड़े से एक्वेरियम में भी कैद कर दिया जाए तो ये एक्वेरियम में मौजूद पत्थरों से एक्वेरियम के कांच को तोड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें ऐसे जार में बंद कर दिया जाए जिसका ढक्कन स्क्रू वाला हो तो भी ये बड़ी आसानी से स्क्रू को घुमाकर ढक्कन खोल देंगे और जार से बाहर निकल जाएंगे। बुद्धिमानी के साथ साथ इनकी याददाश्त भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ये बड़ी आसानी से लंबे सफर के बाद बिना रास्ता भटके अपने घर वापस पहुँच जाते हैं। नंबर 9, पिग्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सुअर का IQ लेवल एक कुत्ते के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है? यानी बुद्धि के मामले में सुअर कुत्तों से काफी आगे होते हैं। बात अगर इंसानों और चूहों के बीच के कंपैरिजन की करें तो जहां एक इंसान के बच्चे को अपनी परछाई को समझने के लिए कई महीनों का वक्त लगता है, वहीं सुअर के बच्चे मात्र कुछ ही हफ्तों में अपनी परछाई को समझने लगते हैं। इसके अलावा सुअर आपस में बात करने के लिए 20 से भी ज्यादा तरह के साउंड का इस्तेमाल करते हैं। और तो और, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मादा सुअर अपने बड़े बच्चों को अपना दूध पिलाती है तो वह उस समय लोरी भी गाती है। इन सब के अलावा सुअरों को जब चीज बाकी ज्यादा जानवरों से इंटेलिजेंट बनाती है वो है इनके इमोशंस। ये जानवर एक दूसरे से और अपने मालिक से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। नंबर 8, अफ्रीकन ग्रे पैरट। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि एक तोता हमारी नकल करने के अलावा और क्या ही कर सकता है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक अफ्रीकन ग्रे पैरट का दिमाग इतना ज्यादा विकसित होता है कि वह बड़ी आसानी से एक 5 साल के बच्चे के साथ दिमागी मुकाबला कर सकता है। ये तोता इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि इसने इंसानी भाषा में बात करने के साथ साथ स्पेशल रीजनिंग की भी समझ होती है। इसके अलावा इस तोते को गणित से जुड़ी कई चीजों की पहचान करना आता है, जिसमें रंगों की पहचान, आकृतियों की पहचान, बड़ी और छोटी चीजों में फर्क करना, अलग अलग और एक जैसी चीजों को पहचानना, ऊपर और नीचे लगी चीजों को पहचान करना और वगैरह वगैरह शामिल है। नंबर 7, गोट्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि बकरियों का नाम इस लिस्ट में सुनकर आप पक्का चौंक गए होंगे, लेकिन क्या करें, अब वैज्ञानिकों की बात तो माननी पड़ेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑक्टोपस की तरह ही बकरियों का दिमाग भी प्लानिंग करने में सक्षम होता है, खास करके तब जब बकरी को सामने खाना नजर आए तो वह उस तक पहुंचने के लिए सभी तरह के पैंतरे आजमाती है। इसके अलावा बकरियों की लॉन्ग टर्म मेमोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप एक बकरी को कोई नया टास्क सिखाते हैं तो वो 10 महीने के बाद भी उस टास्क को भूलेगी नहीं। फिर भले ही बीच के 10 महीनों में उस बकरी ने कभी भी उस टास्क के लिए प्रैक्टिस ना किया हो।
नंबर 6 क्रोस यानी कि कौआ। क्या आप जानते हैं कि पहले के समय में कबूतरों के साथ कौओं का भी इस्तेमाल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर कौए को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो ये आज के समय में भी इंसानी भाषा सीख सकते हैं। दोस्तों ये दोनों बातें इस बात का सबूत है कि कौओं के पास अच्छी याददाश्त होती है, साथ ही साथ तेज बुद्धि भी होती है। कौओं का दिमाग इतना ज्यादा तेज होता है कि वो बड़ी ही आसानी से इंसानी चेहरे में फर्क कर लेते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आप कौए के चेहरे में फर्क कर पाते हैं? नहीं ना, यानी कहीं ना कहीं कौए हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसके अलावा आज के समय में कौए इतने ज्यादा होशियार हो चुके हैं कि हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी वे हम इंसानों के कई टूल्स जैसे चाकू और चम्मच को इस्तेमाल करने की कला जानते हैं। नंबर 5 एलिफेंट। दोस्तों हाथी उन चुनिंदा बुद्धिमान और भाग्यशाली जानवरों में से एक है जिसे खुद के अस्तित्व की पहचान है। यानी कि हाथी इतने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि वे खुद को शीशे में देखकर पहचान सकते हैं, जबकि दूसरे जानवरों में ये क्षमता नहीं होती है। आज भी दूसरे जानवर जब खुद को शीशे में देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उनके सामने कोई दूसरा जानवर खड़ा है। इसके अलावा दोस्तों हाथी में इतनी ज्यादा विचार शक्ति होती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके कुर्बानी देने से पूरे झुंड की जान बच सकती है तो वो झुंड को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। इन सब के अलावा हाथियों में कलाकारी पेंटिंग का भी टैलेंट होता है। नंबर 4 पिजन्स। दोस्तों बुद्धि के मामले में कबूतर इतने होशियार होते हैं कि लोग इन्हें फ्लाइंग रैट जैसे निकनेम से भी बुलाते हैं। पुराने जमाने में ही लोगों ने कबूतर की बुद्धि और याददाश्त की क्षमता को समझ लिया था, इसलिए तो वो लोग इनका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए किया करते थे। आज के समय में वैज्ञानिकों के मुताबिक कबूतर का दिमाग इतनी क्षमता रखता है कि वे महीने तक लोगों, जगहों और रास्तों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा हाथियों की तरह ही कबूतर को भी सेल्फ अवेयरनेस है और ये कौओं की तरह लोगों के चेहरे को पहचानने में भी माहिर होते हैं। इन सब के अलावा कबूतर का दिमाग इस हद तक विकसित होता है कि वे अंग्रेजी के सभी अक्षरों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3 चिंपांजी। दोस्तों चिंपांजी ऐसे जानवर होते हैं जिनका डीएनए हम इंसानों से 98% तक मिलता है, इसलिए बुद्धि और याददाश्त के मामले में ये हमसे कुछ ज्यादा कम नहीं है। आज के समय में जंगलों में रहने वाले सभी चिंपांजीज अपनी जरूरत का मोटा मोटा हथियार बनाना सीख चुके हैं। इसके अलावा अगर इन्हें जंगलों से बाहर लाकर सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये काफी जल्दी इंसानों के द्वारा बनाए गए हथियारों जैसे बंदूक और बम को पूरी तरह से चलाना सीख जाएंगे। इन सब के अलावा रिसर्चर्स ने अपने शोध में ये भी पाया है कि कई चिंपांजीज के पास साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वे दूसरे चिंपांजी से काम करवाते हैं। और तो और ये आपस में और हम इंसानों से कनेक्ट करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 बॉटल नोज डॉल्फिन। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जानवर की बात हो और बॉटल नोज डॉल्फिन का नाम ना आए, ये भला कैसे पॉसिबल है? इंसानों की तरह ही सहमति होने पर सर हिलाने की बात हो या फिर जल्द ही किसी भी टास्क को सीख लेने की कला, बॉटल नोज डॉल्फिन हर चीज में माहिर होती है। हाथियों के बाद शायद ये दूसरे ऐसे जीव है जिन्हें सेल्फ अवेयरनेस है, यानी ये खुद को शीशे में देखकर पहचान लेते हैं। इन डॉल्फिन की याददाश्त इतनी ज्यादा तेज होती है कि अगर ये अपने साथी से बिछड़ने के 20 साल बाद भी उनसे मिलते हैं तो वो अपने साथी को पहचान लेते हैं। इसके अलावा जो चीज बॉटल नोज डॉल्फिन को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट साबित करती है वो है इनकी भाषा। जब ये डॉल्फिन अपने प्रजाति के डॉल्फिन से बात करती है तो अलग भाषा में बात करती है, लेकिन जब इन्हें दूसरे प्रजाति के डॉल्फिन से बात करनी होती है तो वो कॉमन भाषा का इस्तेमाल करने लगती हैं। इसे ठीक आप ऐसे समझ सकते हैं, घर पर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगाली में बात करते हैं, लेकिन जब हम बाहर लोगों से बात करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश जैसी कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 ओरंगुटांस। दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवरों की लिस्ट में पहले नंबर पर ओरंगुटांस को रखने की एक नहीं बल्कि कई वजह है। चिंपांजी की तरह ही ये भी जरूरत के हथियार को बनाना और चलाना जानते हैं। इन्हें भी साइन लैंग्वेज की अच्छी समझ होती है और तो और ये सामाजिक रीति रिवाजों को भी फॉलो करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज इन्हें दूसरे जानवरों और यहाँ तक कि हम इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट साबित करती है वो है इनकी तार्किक क्षमता
या अपने साथ होने वाली ज्यादातर चीजों के पीछे की वजह को अच्छे से समझते हैं। जैसे इस बात की इन्हें अच्छे से समझ होती है कि अगर चोट लगने पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए तो चोट को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा औरंगुंदांस का दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि ये छोटी छोटी बिल्डिंग के सिंपल स्ट्रक्चर को भी बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इनमें से कौन से जानवर के बारे में आप पहले से ही जानते थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।